वेलकम बैक में अपना राजभर आज आपके सामने लाया हूँ। दो दो यामा R15 व्हाइट ब्यूटी, व्हाइट मतलब ये भी व्हाइट है और जो दूसरी दिखाऊंगा वो भी मिलेगी आपको व्हाइट। और इनके अंदर दोनों के अंदर कुछ ना कुछ सेम है और कुछ अलग है, डिफरेंसेस है। दिखा दो पहले इसके अंदर के, इसके अंदर क्या क्या किया गया है, फिर दिखाऊंगा आपको दूसरी में कि उसमें क्या क्या किया गया है। देखो इसके अंदर जो लगाया हमने लगाया 10R स्टाइल वाले मिरर जो कि आपको देखने मिले कुछ इस तरीके से, जिससे लुक होते हैं काफ़ी नाइस से लगने के बाद। और साथ में ना ये देखो ये होते हैं आपके 360 रोटेट, जहाँ मुझे रोटेट कर सकते हो। और इसके अंदर मिलता है आपको कार वाले फीचर्स, ये देख सकते हो आपको देख साथ में देखने मिलेगी आपको इसके अंदर लाइटिंग जो कि मिलती है आपको बैक साइड के अंदर, इधर भी से मिलेगी आपको इस तरफ। मैं चला के देखो किस तरीके से इसकी लुकिंग आती है, चलेगा देखिए किस तरीके से लुकिंग है जो कि आपको मिलती है कुछ इस तरीके से। और इसको कर सकते हैं फोल्ड भी, चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं। और व्यू भी इसके अंदर पूरा पूरा नज़र आता है और बिल्कुल न्यू ब्रांड बाइक है। जैसे पन्नी भी अभी लगी हुई है इसके अंदर क्योंकि मेरे सिर्फ लैमचिंग गाड़ी बाकी है, फिर मैच कराएंगे। फिलहाल मेरे का थोड़ा मॉडिफिकेशन आना है जो गाड़ी के अंदर अलग लुक निकल कर आए। साथ में इसमें देखने मिलेंगे आपको इसको देख सकते हैं विंग लाइट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई, इसे लगाने से लुक में लग जाता है चार चांद। आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट की जो कॉम्बिनेशन वो अच्छा लगता है इसके अंदर। जैसे ये हो गया आपका व्हाइट, ये हो गया ब्लैक, ऐसे ये ब्लैक, बहुत सारी चीज़ें ब्लैक है, बहुत सारी इसमें व्हाइट है मिल जाता है। इधर आपको देखने मिलेगी अंदर देख सकते हैं R15M लिखी हुई, इसके अंदर रेडिएटर गार्ड जो कि आपके रेडिएटर करता है पूरी तरीके से सेफ। रेडर सेफ होने से आपकी बाइक भी हेल्प करते हैं सेफ, क्योंकि जब भी गाड़ी राइड होती है ना तो पत्थर वगैरह कुछ भी लगने से आपका रेडिएटर होता है डैमेज, और रेडिएटर डैमेज होने के बाद आपकी बाइक वहीं पर ही हो जाती है स्टॉप, तो स्टॉप होने से बचाए अपनी बाइक को रेडिएटर गार्ड जरूर लगवाएं। और उसके बाद दिखा दूँ एक और चीज़ जो कि इसके अंदर मिलेगी आपको सेफ्टी फीचर, देखिए ये इसका लीवर गार्ड जो कि लगा देगा इसे कार्बन प्लस ब्लैक की मैचिंग के साथ, जिससे आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है इसकी लगने के बाद। और साथ में सेफ्टी मिल जाती है आपको हैंड की भी, साथ में आपके लीवर की भी। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्रैश गार्ड जो कि मिलता है आपको फुल बॉडी क्रैश गार्ड, ये कोई आम क्रैश गार्ड नहीं है, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जो कि आपको पता है कि हम जो क्वालिटी ना बिल्ड क्वालिटी ऐसी होती है हमारी कि इस पर खड़े भी हो जाए बंदा तो कुछ नहीं होगा क्रैश गार्ड को ना ही आपकी बाइक को। और गिरा के कहो तो गिरा के चक्कर में कराऊँ गिराए नहीं बाइक है देखो उनको डर लगेगा, बाकी गिरने के बाद आपकी टैंक वेरिंग वाइजर सब कुछ होता है पूरी तरीके से प्रो टैंक। और साथ में आपके लाइट में प्रोडक्ट देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की क्रैश गार्ड, प्रॉपर फिटमेंट है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता, इजी टू फिट होता है। स्लाइडर सब देखते हैं इसके अंदर लगे हुए हैं जिसे गिरने से काफ़ी सेफ हो जाते हैं। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ लुक चेकआउट कर लो कैसे आती है लगने के बाद, ये देखिए इधर से भी पूरा प्रॉपर फिटमेंट है आपका। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको बॉडी इंडिकेटर देख सकते हो, ये बॉडी इंडिकेटर है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल करो वाइट और आपका ऑरेंज, ये आपका इंडिकेटर आपको मिलेंगे आपको इस तरफ, सेम मिलेगा आपको इस तरफ। आप चाहो तो इसके अंदर और भी कोई डिज़ाइन लगा सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके के डिज़ाइन, सारे डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसके बाद आपको दिखा दो बैक साइड के अंदर ही मिलेगा आपको, इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका ग्रैबरियल जो कि लगा देंगे। ग्रैबरियल लगाने के सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको आज, वैसे तो पता होगा लेकिन फिर जिनको नहीं पता उनको बता दो कि फ़ायदा क्या होता है इसका। देखो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, देखिए आगे पीछे करनी है कुछ भी करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको पकड़ के आप आगे पीछे भी कर दो, रही बात उठाने की किसी को उठा के जरूर देखो, ये देखिए इसमें कैसे खिसकाने कुछ करो तो आप इजीली इसको कर सकते हो, जिससे आपकी पूरी टेल होती है सेफ। तो टेल को सेफ करने का कुछ देखिए, वैसे ना बहुत से लोग कहते हैं कि इससे लुक खराब होती है या कुछ और, लेकिन भैया मैं आपको बता दूँ लुक ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर पता है क्या करता है आपका नुकसान, क्योंकि एक आपका ये पार्ट टूटने का मतलब आपका 2 से 2.5 हज़ार रुपये खर्चा है जो कि हर कोई नहीं करेगा बिना मतलब, क्योंकि लोगों को चुन ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं पकड़ते यहीं से इसको टेल को और उठा देते हैं, कहीं से बैठने वाले भी बैठते हैं ना प्लेन राइडर वो भी आपकी टेल को ही पकड़ के बैठता है, तो इसकी वजह से टेल आपकी टूटती है। जैसे मैंने लास्ट कई सारे वीडियोज़ के अंदर दिखाया हुआ उनके अंदर एल्फी वगैरह पर भी कहकर लगा के जुगाड़ करा जाता है, तो ये लुक भी बढ़ जाती है साथ में लुक के साथ साथ ना इससे होते पूरे सेम। इधर भी देखो सेम आपको मिलते हैं, इस तरफ लुक चेक कर लो दोनों तरफ से मिल जाती है आपको सेम लुकिंग इसके अंदर। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इंडिकेटर, ये KTM स्टाइल में इंडिकेटर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए जिससे लुक ज़्यादा और ना जो इंडिकेटर इसके आते हैं, वैसे तो देखो इंडिकेटर इसके अंदर LED वाले आते हैं लेकिन इसमें LED वाले इंडिकेटर नहीं थे तो इसलिए इसमें LED वाले KTM स्टाइल में इंडिकेटर लगा दिए गए हैं, लुक भी इनहेंस हो जाती है और भाई साहब रोशनी भी बढ़ जाती है इसकी। तो यहाँ पर आकर इसकी हो गया मॉडिफिकेशन कंप्लीट, अब मैं बुलाऊंगा भैया कि उनको कैसा लगा और कहाँ से आए, आओ भैया कैसे हैं कहाँ से आए हैं नाम बताइए और जगह बताइए। सुल्तानपुरी से आए, ये कहाँ पड़ता है दिल्ली में? हाँ दिल्ली में नांगलोई है ना। अच्छा, उसके अच्छा, पास ही विक्की नाम है मेरा, विक्की नाम है। तो आप कैसे आए थे यहाँ पर? भाई वो इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी थी, कैसी लगी वीडियो? वीडियो एक नंबर की थी, जब काम कैसा लगा? एक नंबर भाई बिल्कुल सब कुछ एक नंबर लगा। हाँ हम तो दो नंबर नहीं है ना। नहीं एक हम भी एक नंबर है। हाँ देखा जी एक नंबर ऑल अबाउट, काम से प्राइस से हर चीज़ से खुश है आप? हाँ भाई बिल्कुल जबरदस्त थोपा तो नहीं का भैया भी लगाओ वो भी लगाओ
नहीं नहीं सब आपकी पसंद से। हाँ हाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी वगैरह के अंदर? नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया सब बढ़िया। फिटमेंट वगैरह कैसी की गई है? ओके भाई सब ओके है। चलो थैंक यू सो मच आने के लिए। और आपको भी कराना अपनी किसी भी बाइक का या स्कूटी का कोई भी मॉडिफिकेशन आ सकते हो आपके अपनी शॉप राजभाई एसकेडी को मिलेगा दिल्ली करोलबाग नायवलन के अंदर। मेरी दो शॉप मिलेंगी, एक शॉप मिलेगी आपको पहले चौक ऐसे नहीं समझाया दूँ, पहला चौक बोले तो पहले मिलेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति जो कि मिलेगी झंडे वालन मेट्रो स्टेशन के अपोजिट गोल चक्कर पर। और जब वो मूर्ति मिल गई तो समझ लो आपको मेरा एड्रेस इजीली मिल गया, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद 100 मीटर का डिस्टेंस में मेरी शॉप का एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी वहाँ पर, और एक मिलेगी आपको आर एस समाज रोड पर जो कि पहले चौक पर मेरी शॉप है वहाँ पर, और दूसरे चौक पर मेरी शॉप मिलेगी उस पर भी आपको सेम मूर्ति मिलेगी हनुमान जी की वही वाली। तो उसके बाद आपको करना क्या, अगर शॉप नहीं मिलती है तो आप आ सकते हो मेरे पास स्क्रीन पर नंबर लेकर फ्लैश जो हो रहा है ना वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लोकेशन एड्रेस नंबर सब कुछ आप निकाल सकते हो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर एक बाइक की वीडियोस जो कि R15 वाइट ब्यूटी थी, सेम यही वही है R15 वाइट ब्यूटी, और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो भी दिखाया था, उसकी तो आपने देखी ली, और फाइनली इसकी भी देख लो इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई है। इसमें कुछ कम है कुछ ज़्यादा है वो आप मुझे बता देना कैसा, बट कुछ डिफरेंट ज़रूर है इसके अंदर। पहले आपको मिलेगा भाई इंटरनेशनल मिरर जो कि उसमें लगाए थे वही सेम लगा दिया इसके अंदर, और इसमें भी मिलती है आपको साथ में लाइटिंग, और ये देख सकते हो लाइटिंग ना कार वाला मिरर है जो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो इजीली, देख सकते हो आप ये अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो इसको, और वही लाइटिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है जो उसके अंदर थी, ये देखिए वही सेम लाइटिंग है जो उसके अंदर थी वही है इसके अंदर जो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको मिलता है इसके अंदर ये इसका 70 वाली रैपिंग जो इसके अंदर कर दी गई है, ये आपका वाइजर जो कि फ्रंट का फेस आपको मिल जाता है इसके अंदर कार्बन के अंदर, उसी तरह कार्बन मिलेगा आपको टैंक, देख सकते हो टैंक का मिडल ये वाला पोर्शन जो कि देख सकते हो लुक काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रही है इसे लगने के बाद, और सेम जैसे कि कॉन्सेप्ट है आगे से पीछे तक एक दो, और ये तीसरी होगी इसकी टेल पूछ, इसमें भी वही कर दी गई है आपकी 70 वाली रैपिंग। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कर दी गई है वही विंगलेट जो उसमें लगे सेम विंगलेट इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है लुक इनहेंस करने के लिए। और उसके बाद क्रैश गार्ड भी दिखाऊंगा इसमें, उसके अंदर जो लगाया था वो हमने लगाया था, ये भैया ने आफ्टर मार्केट, देख सकते हो क्वालिटी के डिफरेंसेस कितने आ जाते हैं, और क्वालिटी आप टॉप क्वालिटी लेते हो और फिर लो क्वालिटी लेते हो उसका कितना डिफरेंसेस आया था इसके अंदर देख सकते हो। बाकी सेफ तो हो जाती है आपकी बाइक, क्योंकि जब गिरती है ना तो भैया सबसे पहले आपका फेयरिंग और टैंक ये सेफ होना चाहिए जो कि इससे हो जाता है काफ़ी हद तक सेफ। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेक कर लो दोनों तरफ मिल जाएगा आपको सेफ्टी फीचर्स। और इसके बाद मैं लगा देगा हैजार्ड जो कि देख सकते हो जितनी बार इसको ऑन ऑफ करूँगा ये इसके पैटर्न हो जाएंगे चेंज, देख सकते हो आप ये हैजार्ड के पैटर्न से, और साथ में इसमें कैंडी इंडिकेटर भी लगा हुआ है जो कि इसके अंदर ही इंस्टॉल कर दिया गया है इसके अंदर, जैसे हो सकता है कि शायद कंपनी से लगा हुआ हो उस तरीके से इसकी लुक आती है इसमें लगने के बाद। इधर भी सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो किस तरीके आ रही है ये देखिए दोनों तरफ। और इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो कि है ग्रैबियल, उसके अंदर जो ग्रैबियल था वो भी अलग था, और इसके अंदर ये भी थोड़ा डिफरेंस है, फीचर दोनों के सेम होते हैं। मैंने बताया आपको कि आपका पूरी पीछे की टेल हो जाती है सेफ, क्योंकि जब भी राइड करते समय कोई प्लेन राइडर बैठता है तो वो पकड़ के बैठता है इसको, तो उससे खींचने के बाद ये आपकी टेल बड़ी टूट जाती है, और अगर जो आगे पीछे करें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसका आपका ग्रैबियल का। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन, और बाकी अब दोनों वीडियोस देख ही ली, बाकी अगर भैया का रिव्यू और ले लेते हैं, भैया को कैसा लगा, उनसे तो ले लिया इनका भी ले लेते हैं। आइए भैया आप भी आ जाइए, कैसे हैं सर ये बताइए। मैं बढ़िया सर। और कहाँ से आए ये बताइए। सर मैं आया हूँ द्वारका से, और सर मैं आपका नाम मतलब चैनल में काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और वीडियोस देखता हूँ आपकी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं भैया, और इसीलिए मुझे लगा कि मेरे को मुझे जाना चाहिए मतलब, तो इसीलिए मैं आया, और भैया इतना काम जो मैं करवा चुका हूँ उसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा, टॉप नॉच काम करते हैं, और जैसे आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा भैया। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और कोई आना चाह रहा है तो किसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भैया अगर आपको अच्छा जेन्युइन काम करवाना है तो आपको यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, इनफैक्ट एक बार मतलब आके देखना चाहिए काम कैसा होता है, तो जो मेरा जो काम कराने का जो आपके साथ हाँ एक्सपीरियंस रहा तो मेरा तो बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये थे भैया जिनकी बाइक थी आपने देख लिया, उनका भी रिव्यू इनका भी रिव्यू देख लिया, बाकी करना क्या चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर राजभाई इस वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम जय मदन गुड बाय।